उ वेल हेलो एवरी वन वेलकम टू सेंट्रल टॉक्स माई नेम ए साजिद शेख और आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट की मदद से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स कैसे बनाए जा सकते हैं आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है जिसकी वजह से हमने इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया है एंड आई हैव पुट स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स अलोंग विद तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो स्टेप देखना चाहते हो उसके बाजू में दिए हुए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और आपका वीडियो डायरेक्टली उसी स्टेप पर चला जाएगा बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट वीडियो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड

पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा दूसरी चीज आप जो इस्तेमाल करोगे वो है अपने मोबाइल फोन का कैमरा इस कैमरे से आप अपना इंट्रोडक्शन शूट करोगे थर्ड चीज जो आपको इस्तेमाल होगी वो है हेडफोन्स या ईयरफोन्स हम हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल उनमें दिए हुए माइक्रोफोन के लिए करेंगे हम हमारी वॉइस इस माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्ड करेंगे नंबर फोर्थ जो हमको चाहिए रहेगा वो है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इन शॉर्ट वीडियो एडिटर इस सॉफ्टवेयर से हम लोग एडिटिंग करेंगे हमारे वीडियो की और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है So let's see, हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे शूट करना है दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट किया जाए। थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे पुट किए जा चौथी चीज बिना इमेजेस के एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अधूरा है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इमेजेस कहां से डाउनलोड करके और कैसे पुट करना है वो सीखेंगे अगले स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा हम अपनी ऑडियो को पावर पॉइंट के हिसाब से रिकॉर्ड करना सीखेंगे उसके बाद हम अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को रिकॉर्डेड ऑडियो के साथ में मैच करके चलाकनाथ सीखेंगे जिसको कहते हैं रिहर्सल ऑफ टाइमिंग उसके बाद हम सीखेंगे कि एक पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और लास्ट में हम सीखेंगे कि ये जो वीडियो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बनाया है उसको अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाना सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज शूटिंग एंड इंट्रोडक्शन इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर वीडियो हैज अ गुड इंट्रोडक्शन सो एज टू की ऑडियंस एंगेज आप चाहो तो अपना इंट्रोडक्शन अपने मोबाइल फोन के कैमरे पे शूट कर सकते हो या अगर आप कैमरा चाय हो तो अपना इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट के जरिए दे सकते हो अ गुड इंट्रोडक्शन मस्ट हैव योर नेम योर क्वालिफिकेशन योर एक्सपीरियंस एंड अ स्मॉल जिस्ट या चैप्टर की छोटी सी ब्रीफ डिटेल होनी चाहिए नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग शूटिंग योर इंट्रोडक्शन ऑन द मोबाइल फोन कैमरा आप ये टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल एक नॉर्मल वीडियो लेक्चर को शूट करने के लिए भी कर सकते हो टिप नंबर वन आपका जो मोबाइल फोन का कैमरा है दैट शुड बी स्टडी अगर आप उसको हाथ में पकड़कर वीडियो शूटिंग करोगे तो देन इट मे लीड टू ब्लरी और अ स्नैपी वीडियो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मोबाइल स्टैंड या एक ट्राईपॉड का यूज करो अपने मोबाइल फोन से इंट्रोडक्शन वीडियो या वीडियो लेक्चर को शूट करने के लिए वाइल्ड शूटिंग द वीडियो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट कैमरे के लेंस पर रखें इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट अ टू इट बट प्रैक्टिस करते करते आप उस चीज को सीख जाओगे अनदर टेक्निकल इश्यू दैट यू मे फेस वाइज शूटिंग द वीडियो इज ऑडियो हो सकता है आपकी ऑडियो की क्लैरिटी बराबर ना आए इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप अपना वीडियो कैमरा से शूट कर रहे हो तो प्लीज वेयर योर ब्लू टूथ और उसका जो माइक है वो अपने लिप्स के जितना करीब हो सकता है उतना करीब रखो इफ यू आर प्लानिंग टू शूट मोर लेक्चर्स देन आई वुड रिकमेंड कि यू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर माइक्रोफोन वाई शूटिंग द वीडियो प्लीज मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर हो यूज अ स्टैंडर्ड प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाइक अ क्लियर वॉल सो दैट

अब एक अच्छा इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे शूट करना है उसका सैंपल आगे इस वीडियो में दिखाया जाएगा गाइज इट इज नॉट इजी टू फेस द कैमरा एंड गिव द परफेक्ट शॉट इन वन टेक इट विल रिक्वायर सम पेशेंस एंड प्रैक्टिस टू गेट अक्वेंटेड एंड अकस्टमड टू इट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ फेसिंग द कैमरा देन यू कैन ऑलवेज Create your introduction using a PowerPoint presentation. So before I start, I introduce myself to you. I am Professor Zohir Mirza, an MA in English Literature, BEd, and I cleared my PET for PhD. Now let's begin with the poem "The Pulley" by George Herbert. So, my dear teachers, you are the content kings. The only thing that you require now is how to present that content online to your students. And for that purpose, we are going to use PowerPoint. जैसे कि आप सब अभी देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमारी एक PowerPoint की फाइल खुली हुई है. अब मैं आपको एक बेसिक PowerPoint प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है. और उससे जुड़ी हुई सारी टिप्स और ट्रिक्स जो एक अच्छे वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगी वो बताना चाहूंगा तो आज की सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है बैकग्राउंड सो लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड बैकग्राउंड के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैकग्राउंड को प्लेन सिंपल रखें ज्यादा शो ऑफ वाला बैकग्राउंड रहेगा प्रॉब्लम तो यह हो सकता है कि सर बच्चे का अटेंशन कंटेंट से ज्यादा बैकग्राउंड पर जाए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बैकग्राउंड को प्लेन ब्लैक या प्लेन व्हाइट ही रखें अगर आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो अपनी स्लाइड पर जाकर राइट right क्लिक करें राइट right क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन सिलेक्ट करें उसके बाद में आप जाकर सॉलिड फिल पर जाकर क्लिक करें और फिर अपने वहां पर कलर के ऑप्शन में दिए हुए जो बैकग्राउंड कलर आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो मेरा सजेशन रहेगा कि आप या तो व्हाइट या तो ब्लैक बैकग्राउंड यूज करो ब्लैक बैकग्राउंड अगर आप यूज करते हो विथ प्रॉपर फॉन्ट कलर जैसे कि मैंने यहां पर फॉन्ट कलर येलो रखा है और ये जो आपका टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है मैंने उसको वाइट रखा है ये बैकग्राउंड का कलर ब्लैक और फॉन्ट का कलर येलो एंड व्हाइट विल मेक अ वेरी गुड स्क्रीन फॉर योर वीडियो ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर मोबाइल डिवाइसेस पर और लैपटॉप पर सर वीडियो काफी बेहतरीन दिखता है और कंटेंट उभर कर आता है ठीक है अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट पर दूसरा पॉइंट है फॉन्ट कि आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए अब फ़ॉन्ट जो है ऐसा यूज करो जो लेजिबल हो यानी कि दिखाई दे एक चीज याद रखना आपका जो वीडियो है वो मोबाइल डिवाइसेस पर और लैपटॉप्स पर प्ले होने वाला है सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर फॉन्ट्स यूज करो जो दिखाई दे मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर सर कुछ सजेशन जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो है बर्लिन सांस एफ बी ये ऐसे ही दिखता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कॉमिक सांस एमएस ये ऐसे ही दिखेगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और बैंसक्रिफ्ट ये ऐसे ही दिखता है जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो ये तीन फॉन्ट्स का सजेशन मैं करूंगा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप फैंसी फॉन्ट्स को फैंसी फॉन्ट्स को और कॉमनली यूज्ड फॉन्ट्स को अवॉइड करें जैसे कि एरियल टाइम्स न्यू रोमन तहोमा ये सब फॉन्ट्स बच्चों को बार बार देखने की आदत हो जाती है तो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ये fonts. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ लेजिबल अच्छे और अट्रैक्टिव फोन को अपने प्रेजेंटेशन में यूज करो अब चलते हैं हम लोग फोन साइज के ऊपर आपको दो चीजें दिमाग में रखना है जब आप कोई हेडर बना रहे हो हेडर यानी कि सर ये रहा फॉन्ट ये हेडर है हमारा तो जब आप कोई हेडर बना रहे हो जैसे कि यहां पर फॉन्ट साइज लिखा हुआ है तो आपको उसका साइज रखना है ट्वेंटी लेकर थर्टी के बीच में अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज किया है क्योंकि तो हर फॉन्ट के अंदर ये साइज़ेस चेंज होती रहती है सर तो मेरा सजेशन होगा कि हेडर्स के लिए ट्वेंटी फोर से लेकर थर्टी तक का साइज रखना है नॉर्मल टेक्स्ट यानी कि ये जो हमने सिलेक्ट किया है इसको नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं इस नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हमारा फ़ॉन्ट साइज होगा 18 से लेकर 24 के बीच में, ठीक है तो फ़ॉन्ट साइज हमको इतनी छोटी भी नहीं रखना है कि मोबाइल डिवाइसेस पर ना दिखे और इतनी बड़ी भी नहीं रखना है कि हमारा कंटेंट एक स्लाइड पर फिट ना हो अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर अगले पॉइंट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा कंटेंट है एक स्लाइड पर सोचो ये कंटेंट आपके स्टूडेंट के वीडियो में आ रहा है तो वो इतना ज्यादा कंटेंट एक स्लाइड पर देखकर पहले से ही डिमोटिवेट हो जाएगा वो इतने कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला तो आपका काम क्या होगा आपका काम यह है कि आप इस एक स्लाइड के ऊपर जितना मिनिमम कंटेंट रख सकते हो उतना मिनिमम कंटेंट रखो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फॉन्ट साइज की स्लाइड है मैंने सिर्फ तीन लाइन कंटेंट रखा है सर स्टैंडर्ड लग रही है प्रोफेशनल लग रही है और पढ़ने वाले को भी सर पता चल रहा है कि तीन ही लाइन पढ़ना है तो द रीडर इज मोटिवेटेड टू रीड द कंटेंट यहां पर द रीडर विल रीड एटलीस्ट टू लाइन थ्री लाइन एंड देन ही लूज इज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन तो आपके लिए एक ही सजेशन रहेगा एक स्लाइड के ऊपर आप लिमिटेड कंटेंट को पुट अप करो यानी कि आपका जो आंसर्स है या आपके जो कंटेंट है आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके अलग अलग स्लाइड पर पुट कर सकते हो अब आगे के स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा है पॉज द वीडियो एंड कॉपी तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज को इस वीडियो से या इस प्रेजेंटेशन से अपने नोटबुक में कॉपी करे तो आप उस चीज को पहले टाइप करके प्रेजेंटेशन में लिख लो उसके बाद में नीचे साफ इंस्ट्रक्शंस दो कि आप अपने स्टूडेंट से क्या चाहते हो सो दैट द स्टूडेंट इज प्रिसाइसली क्लियर कि उसको कितनी बार किस चीज को कैसे कॉपी करना है सर नेक्स्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इमेजेस इमेजेस का इस्तेमाल करो। बिना के आपके प्रेजेंटेशन बहुत ड्राई हो जाएगा एंड विल वॉच इट इन शॉर्ट आपका जो वीडियो बनेगा इस प्रेजेंटेशन से इट विल बी वेरी बोरिंग अब इमेजेस कैसे डाउनलोड करना है और उसको हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन में कॉपी कर सकते हैं या इन सर्ट कर सकते हैं वो हम लोग सर आगे के पार्ट में लर्न करेंगे अब चलते हैं स्टेप थ्री के ऊपर स्टेप थ्री में हम लोग ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के बारे में जानेंगे अब आपको एक चीज बता दूं कि ट्रांजेक्शन और एनिमेशन वीडियो में एड करना जरूरी नहीं है बट इट एड्स टू द फील ऑफ द वीडियो और द प्रेजेंटेशन अब ट्रांजेक्शन को एड कैसे किया जाता है और ट्रांजेक्शन होता क्या है वो चेक करते हैं तो ट्रांजेक्शन जो होता है वो होता है एक इफेक्ट जो एक स्लाइड खत्म होने के बाद सेकेंड स्लाइड कैसे एंटर करेगी वो बताता है या उसको बेटर कर देता है जैसे कि यहां पर मेरे पास में चार स्लाइड्स है और हम इन चारों स्लाइड्स पर अलग अलग ट्रांजिशंस के इफेक्ट एड करेंगे सो लेट्स चेक कैसे एड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू माई फर्स्ट स्लाइड मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया है अब फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर अगर आप देखोगे इस पावर पॉइंट की फाइल में तो मेरे पास में काफी सारे मेनू हैं। उन मेनू में मैं जाकर सिलेक्ट करूंगा ट्रांजेशन अब अगर आप देखोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है जब आप यहां पर नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो आपको एक ही लाइन दिखाई देगी लेकिन अगर आप यहां पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन एरो पर तो यू यूल सी अ लॉर ऑफ ऑप्शंस। नाउ व्हिच ऑप्शन शुड आई सिलेक्ट आई गो विद द रिवील तो मैंने फर्स्ट स्लाइड पर रिवील का एनिमेशन डाला है तो जब ये फर्स्ट स्लाइड एंटर होगी तो इट विल लुक लाइक दिस। सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड सेकेंड स्लाइड के ऊपर लेट्स कीप सम डिफरेंट एनिमेशन और सॉरी डिफरेंट ट्रांजिशन तो मैंने सेकेंड स्लाइड के ऊपर फॉल ओवर वाला ट्रांजिशन पुट किया है यानी कि जब मेरा सेकेंड स्लाइड आएगा तो इट विल एंटर लाइक दिस द फर्स्ट स्लाइड विल फॉल बैक

अब स्लाइड शो यानी कि वीडियो कैसे दिखेगा उसको चेक करते हैं हमको फर्स्ट स्लाइड से चेक करना है तो हम लोग फ्रॉम बिगनिंग पर सिलेक्ट करेंगे so like, तो मेरा कुछ ऐसे एंटर करेगा सेकेंड स्लाइड में एक क्लिक करूंगा तो सेकेंड स्लाइड आएगी आप देख रहे हो कैसे ओवर हो गया थर्ड स्लाइड को बुलाने के लिए मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो थर्ड स्लाइड आएगी पेज कर्ल होकर और फोर्थ स्लाइड को बुलाने के लिए मैं सर एक बार और क्लिक करूंगा तो पेज क्रश होगा और फोर्थ स्लाइड की एंट्री हो जाएगी नाउ एज यू कैन सी हमने चारों स्लाइड्स पर अलग अलग ट्रांजिशन के इफेक्ट्स दिए हैं नाउ लेट्स चेक आउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच यू शुड यूज वाइल इंसर्टिंग ट्रांजेक्शन इन योर पावर पॉइंट सबसे पहले तो सर वी आर प्रोफेशनल्स सो वी शुड अवॉइड एनी ड्रामेटिक ट्रांजेक्शन सर जैसे कि आपके पास में इतने सारे ऑप्शन है सम ऑफ देम आर प्रिटी सो अगर आप ऑरिगामी वाला ट्रांजेक्शन यूज करते हो इट लुक्स टू फंकी फॉर एस और देर इज एन एयरप्लेन एनिमेशन नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर्स सो सर माय रिकमेंडेशन इज डू नॉट यूज ड्रामेटिक ट्रांजेक्शन स्टिक टू ट्रांजेक्शन सच एज रिवील एंड पेज कर्ल तो आप ये दो ट्रांजेक्शन यूज करो रिवील एंड पेज कर्ल वाले तो दीज आर गुड प्रोफेशनल ट्रांजेशन तो वह आपको यहां पर दिखाई देंगे हमने यूज किया था दिस इज रिवील यश एंड दिस इज पेज कर्ल ठीक है दिस लुक्स गुड ना आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेशन को यूज कर सकते हो ठीक है सो डिफरेंट स्लाइड कैन हैव डिफरेंट ट्रांजेशन इफेक्ट्स now as i said it is not compulsory but it adds to the feel of the video so teachers now let's go to animations now what are animations to isko samjhane ke liye main kya kar raha hu pata hai ye mera content hai jo aapko ek sath dikhai de raha hai तो सर पूरा anxiety, पूरा excitement खत्म हो गया क्योंकि पूरा content एक साथ दिखाई दे रहा है अगर मैं control करना चाहता हूं कि पहले फर्स्ट लाइन आए फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं फिर सेकंड लाइन आए फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं फिर थर्ड लाइन आए फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं फिर फोर्थ लाइन आए फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू कंट्रोल द फ्लो द टाइमिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन तो सर आई विल यूज द इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज एनिमेशन एनिमेशन को इंसर्ट करना और यूज करना बहुत आसान है तो हाउ टू इंसर्ट एनिमेशन लेट स्टार्ट तो ये फर्स्ट लाइन पर अगर आप चाहो तो आप इन सबको सिंगल एनिमेशन दे सकते हो यानी कि सब एक साथ आ जाएंगे या अगर आप चाहो तो एक एक लाइन को दे सकते हो या अगर आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ दे, बुला सकते हो या अगर आप चाहो तो ऊपर के तीन को एक साथ बुला सकते हो तो जैसा आप सिलेक्ट करोगे वैसा वो एनिमेट होगा तो मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट लाइन सबसे पहले आए तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर आप देखोगे ऊपर मेनू के ऑप्शंस में तो मेरे पास में एक एनिमेशन का टैब है तो आई विल गो एंड क्लिक ऑन एनिमेशन का टैब और उसमें जैसी मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन आ गई है एनिमेशन की अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूं तो और सारे ऑप्शन है कुछ बेसिक है कुछ एग्जिट वाले ऑप्शन है कुछ हाई लेवल एनिमेशन वाले ऑप्शन है लेट्स गो विद द बेसिक मैं अपियर पे क्लिक करता हूं ठीक है जैसे मैं अपियर पे क्लिक करूंगा तो यहां पर एक नंबर आ जाएगा वन सो दीज नंबर लाइन ये सबसे पहले आएगी जब हम स्लाइड को प्ले करेंगे या वीडियो बनाएंगे अब चलते सेकेंड लाइन पर वहां जाकर भी मैंने अपियर सिलेक्ट कर लिया तो जैसे ही मैंने अपियर पे सिलेक्ट किया तो यहां पर नंबर टू आ गया सो दिस विल कम एज नंबर टू आई डोन्ट वॉन्ट थर्ड लाइन टू कम

अदर एनिमेशन लेट्स गिव इट अ बाउंस का एनिमेशन तो आप देख सकते हो कि कैसे एनिमेट हो रहा है और मैंने उसको नंबर फोर वाला ऑप्शन दे दिया अब ये कैसे कैसे अपियर होंगे और कैसे हम लोग मतलब यहां पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको देखने के लिए अब मैं जाऊंगा वापस से मेनू बार पर और मेनू बार पर जाकर मैं क्लिक करूंगा स्लाइड शो वाले ऑप्शन पर नाउ आई डोंट वांट टू स्टार्ट प्लेइंग माय प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड मैंने एनिमेशन तो सिर्फ फोर्थ स्लाइड पर दिया है सिर्फ इसी स्लाइड पर दिया है तो मैं सिर्फ यही स्लाइड को स्लाइड को चेक करना चाहूंगा या प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखना चाहूंगा तो उसके लिए आई विल नॉट सिलेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग बट आई विल सिलेक्ट फ्रॉम करंट स्लाइड तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ इसी स्लाइड को प्ले करेगा so ये मेरा स्लाइड शो चालू हो गया अब सबसे पहले सर आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन आ रही है अवॉइड ड्रामेटिक एनिमेशन जब मैं ये लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर माउस को क्लिक करूंगा तो सेकेंड लाइन आएगी इन शॉर्ट आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ माई कंटेंट अब सेकेंड लाइन आ गई सर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अब याद करो हमने थर्ड लाइन को तीसरे नंबर पर नहीं बुलाया है हमने फोर्थ लाइन को तीसरे नंबर पर बुलाया है तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी फोर्थ लाइन आ गई नाउ आई विल एक्सप्लेन द फोर्थ लाइन और फिर जब मैं क्लिक करूंगा एक बार और तो मेरी फिफ्थ लाइन आ जाएगी जो बाउंस करके आ रही है सर। सो दिस इज हाउ आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ माय कंटेंट इन एनिमेशन कुछ टिप्स देना चाहूंगा एनिमेशन के लिए सेम एज ट्रांजेशन अवॉइड ड्रामेटिक एनिमेशन तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपियर वाला एनिमेशन यूज करो दिस इज माई रिकमेंडेड एनिमेशन और कुछ बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो आप फ्लोटेन वाला एनिमेशन यूज कर सकते हो विच लुक्स ओके बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है नेक्स्ट सर जैसे कि ट्रांजेशन कंपलसरी नहीं है वैसे एनिमेशन भी कंपल्सरी नहीं है बट अगेन अगर ये सब चीजें रहेंगे तो हम लोग बेटर तरीके से हमारे आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं एंड वी कैन पोर्ट्रे आर कंटेंट इन अ बेटर वे ठीक है अब एक एनिमेशन होता है जिसको कहते हैं टाइप इन वाला एनिमेशन आपने देखा होगा इससे पहले कुछ टाइप करके आ रहा है पीछे कीबोर्ड की आवाज आ रही है और वो एक 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 वर्ड टाइप हो रहा है तो वो एनिमेशन को ऐड करने के लिए तो सर लेट्स क्लिक समझो मुझे ये वाले पार्ट पर टाइपिंग वाला एनिमेशन ऐड करना है सो तो लेट्स क्लिक ऑन इट मैंने इस पर क्लिक कर दिया जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया मैं अपियर वाला एनिमेशन सिलेक्ट करूंगा तो मैंने इस पर अपियर वाला एनिमेशन पहले लगा दिया अब मैं क्या करूंगा इस स्लाइड इस पार्ट को वापस क्लिक करके यहां पर उसी एनिमेशन के टैब में आगे एक एनिमेशन पेन है सो आई विल क्लिक ऑन द एनिमेशन पेन तो आप देखोगे साइड में एक मेनू आ जाएगा अब मैं जाऊंगा तीसरे नंबर वाला हमने सिलेक्ट किया है तो यहां पर थर्ड नंबर वाला रेक्टैंगल आपको दिख रहा है वहां पर मैं आगे जाऊंगा ये ग्रीन वाले पार्ट पर नहीं बल्कि ये ड्रॉप डाउन वाले पार्ट पर आपको दिख रहा है ये ड्रॉप डाउन लास्ट में कॉर्नर में उसको क्लिक करूंगा जैसे ही उसको क्लिक करूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें जाकर मैं इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो सर इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग सर क्या करेंगे सर सबको सेम रखना है बस ये एनिमेटेड टेक्स्ट ये आपको दिख रहा है एनिमेट टेक्स्ट लास्ट वाला वहाँ पर लिखा है ऑल एट वंस यानी कि सब एक साथ आ जाएगा मैं उसको चेंज कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा बाय लेटर तो ये देखो वो लेटर लेटर एक 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 सिंगल अल्फाबेट आएगा अब अगर मैं पांच मिनी मिलीसेकंड्स का डिले देता हूं तो बहुत स्लो हो जाएगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको कम करके 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 0.1 सेकंड्स पर ले आओ ठीक है और अब आपने बाय लेटर किया है सिलेक्ट और 0.5 को 0.1 कर दिया है और जैसे ही आप ओके okay क्लिक करोगे तो आपको वो एनिमेशन वाला जो टाइपिंग इफेक्ट है वो दिखाई दे नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर फोर इमेजेस अब हम बात करेंगे इमेजेस डाउनलोड कैसे करना है और हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अटैच या इंसर्ट कैसे करना है तो इमेजेस के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इमेजेस दो किस्म की होती है जो हम हमारे पावर पॉइंट के अंदर अटैच कर सकते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस एक होती है जेपेग इमेज जेपीईजी जेपेग इमेज कहते हैं इसको और दूसरी होती है पीएनजी इमेज सो द सेकेंड वन इज पीएनजी इमेज अब दोनों में फर्क PNG का क्वालिटी JPEG से बेटर होता है ठीक है वैसे तो दोनों भी अच्छी होती है डिपेंड करता है कि आप कहां से डाउनलोड कर रहे हो उसको बट PNG का कंप्रेशन कंप्रेशन रेट बेटर बेटर PNG is better. But हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मायने रखती है वो ये है कि अगर आप जेपेक इमेज अटैच करते हो अपने पावर पॉइंट के अंदर तो सर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी और अगर आप PNG इमेज को डाउनलोड करते हो तो आपको एक ट्रांसपेरेंट इमेज मिलेगा जो बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड हो जाएगा अब सर दोनों को समझने के लिए दोनों का डिफरेंस समझने के लिए लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको दो लैपटॉप के इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे तो अगर मैं आपको बोलूं पता लगाओ कि इसमें से जेपेक कौन सी है और पीएनजी कौन सी है तो आप यहां पर डिफरेंस नहीं बता पाओगे लेकिन डिफरेंस को पता लगाने के लिए लेट्स डू वन थिंग हमारा जो स्लाइड का बैकग्राउंड का कलर है वो व्हाइट है तो मैं क्या करता हूं स्लाइड पर जाकर यहां पर राइट right क्लिक कर रहा हूं और राइट right क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करता हूं अब मैं जा रहा हूं फिल के ऊपर यानी कि बैकग्राउंड कलर मुझको चेंज करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा सॉलिड फिल और नीचे कलर के ऑप्शन में जाकर मैं सिलेक्ट करूंगा ब्लैक अब आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो मेरी पहली इमेज है जो मेरा फर्स्ट इमेज है उसमें सर बैकग्राउंड व्हाइट है और फिर स्लाइड का बैकग्राउंड ब्लैक है यानी कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा है ये इसलिए ब्लेंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो फर्स्ट इमेज है ये ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है यानी कि इस इमेज ने अपना बैकग्राउंड साथ में लेकर आया है और इस इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है वहीं आप अगर इस सेकेंड वाली इमेज को देखते हो तो सेकेंड वाली इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है यानी कि जो स्लाइड का बैकग्राउंड होगा वही बैकग्राउंड ये इमेज भी ले लेगा चलो एक बार और हम लोग सर बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं सो so अगेन मैंने राइट क्लिक किया और मैंने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो मुझे ये मेनू मिल गया फिर मैं सॉलिड फिल पर गया और इस बार मैं बैकग्राउंड का कलर लेट्स टेक इट ग्रीन लेता हूं तो अगर आप अभी भी देखोगे तो जेपेग इमेज जेपीईजी जेपेग इमेज बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड नहीं हो पा रही है और पीएनजी इमेज परफेक्टली ब्लेंड हो पा रही है एकदम नेचुरल फीलिंग दे रही है सर तो डिपेंड करता है कि आपको अपनी इमेज को कैसे यूज करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जेपेग इमेज पे जाना चाहिए या PNG इमेज पर जाना चाहिए एक और चीज पर डिपेंड करता है कि आपका इमेज का अवेलेबिलिटी कैसा है जब आप इमेज को सर्च कर रहे हो डाउनलोड कर रहे हो तो जरूरी ना हो कि आपको PNG इमेज ही मिले कभी कभार आपको JPEG इमेज से भी काम चलाना पड़ सकता है तो कौन सी बेटर है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो और उस इमेज का अवेलेबिलिटी क्या है अब हम लोग बात करेंगे कि इमेज को डाउनलोड करना कहां से है और उस इमेज को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कैसे करना है तो इट इज वेरी सिंपल एंड द बेस्ट प्लेस टू डाउनलोड एनी इमेज इज गूगल ये हम गूगल क्रोम पर चले गए और गूगल क्रोम पर जाकर लेट मी टाइप लैपटॉप इमेजेस और मैंने इंटर कर दिया तो अब मुझको रिजल्ट का पेज आ गया यहां पर ऊपर मैं जाऊंगा और ऑल के बाजू में इमेजेस का टैब है उसको क्लिक कर दूंगा तो अब मुझे सारे रिजल्ट सिर्फ इमेजेस में ही दिखाई देंगे अब सर मुझे जो इमेज इसमें से पसंद है मैं स्क्रॉल करके आराम से चेक कर सकता हूं कि विच इमेज आई वांट टू डाउनलोड सपोजिंगली uh, मुझको ये वाली इमेज काफी अच्छी लग रही है सो आई लाइक दिस इमेज तो मैं इस इमेज पर जाऊंगा इस इमेज को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। मैं चाहूं तो इस इमेज को यहीं से राइट क्लिक करके इसी विंडो जो विंडो क्लिक खुली है इसी विंडो पर मैं चाहूं तो राइट क्लिक करके इस इमेज को मैं सेव कर सकता हूं जैसे कि मैंने यहां पर सेव इमेज एज यहां पर ऑप्शन आ रहा है मैंने वापस इमेज पे जाके राइट क्लिक किया है राइट right क्लिक और मुझे ऑप्शन मिल रहा है सेव इमेज एज तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझको मुझको वो डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा और मैं डाउनलोड कर सकता हूं बट इसमें एक डिसएडवांटेज है इमेज जो आप यहां से डाउनलोड करोगे उसकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन खराब होगा तो सर फिर क्या करना चाहिए आप उस साइट को क्लिक करो आप उस इमेज को क्लिक करो तो मैं क्या किया उस इमेज को जाकर मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया मतलब क्लिक कर दिया तो वहां पर एक सर ऑप्शन मतलब एक दूसरी साइट खुल जाएगी आपके क्रोम के टैब पर फिर आप उसी इमेज को सिलेक्ट करो और आप उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ये आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसे से जो इमेज डाउनलोड होगी वो काफी बढ़िया क्वालिटी की इमेज डाउनलोड हो जाएगी अब कुछ कुछ साइट्स पर डाउनलोड का ऑप्शन होता है इसलिए आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो कुछ साइट्स हमको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देती है जैसे कि लेट्स टेक अप एग्जांपल ऑफ ईयर मुझे ये इमेज डाउनलोड करना है तो मैं इस पे क्लिक किया एक नई साइट खुल गई और अब मैं साइट पर गया अब मुझे सर यहाँ पर तो कहीं पर भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा दोबारा मैं इमेज पर जाऊंगा और इमेज को ऊपर मैं राइट right क्लिक कर दूंगा और राइट right क्लिक करने के बाद में मैं करूंगा सेव इमेज एज वाला ऑप्शन ये ये रहा सेव सेव इमेज इमेज वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया तो कुछ इमेजेस जो यहां पर दिखाई देगी वो होगी जेपेग इमेज और कुछ इमेजेस जो यहां पर दिखाई देगी वो होगी पीएनजी इमेज अगर आपको सिर्फ PNG इमेजेस चाहिए तो आप गूगल के सर्च में आगे पीएनजी लगा सकते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो PNG के ही इमेजेस बताएगा तो अब डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो इमेजेस हमने डाउनलोड किए हैं उसको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं इसको करने के दो सिंपल तरीके हैं पहले सबसे छोटा तरीका बताता हूं आपने जहां पर भी इन इमेजेस को डाउनलोड किया है समझो आपने गूगल क्रोम से इन इमेजेस को डाउनलोड किया है तो आपको नीचे ये इमेज पर डाउनलोड हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा तो जैसे कि मैंने जेम्स मैकाइवन का एक इमेज डाउनलोड किया है तो यहां नीचे मुझको दिखाई दे रहा है तो अगर मुझको ये इमेज डायरेक्टली अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एड करना है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं मैं उस इमेज पर ड्रैग करके उस इमेज को मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं मैं डायरेक्टली उस पर माउस ले जा रहा हूं और मैं उसको बिना क्लिक किए ड्रैग कर रहा हूं मैंने क्रोम से उसको ड्रैग किया बिना क्लिक किए और मैं नीचे आ गया जहां पर मुझे आइकन दिए हुए व्हाट्सएप का फोल्डर का तो मैं नीचे आ गया और मैंने ड्रैग करते हुए उस इमेज को पावर पॉइंट के आइकन पे चला गया ही मैं वो इमेज को पावर पॉइंट की आइकन पे ले जाऊंगा तो पावर पॉइंट की विंडो खुल जाएगी और मैं उसको ऊपर लाकर पावर पॉइंट की विंडो जिस स्लाइड पर मुझको कॉपी करना है वहां पर लाकर बटन को छोड़ दूंगा क्लिक नहीं छोड़ दूंगा तो ही मैं बटन को छोड़ दूंगा तो मेरी इमेज पहुंच जाएगी अब मैं इस इमेज को रिसाइज कर सकता हूं छोटा बड़ा कर सकता हूं तो आपको अगर समझो इमेज को फॉर्मेट करना है या कुछ चेंजेस करना है उसमें तो पावर पॉइंट में आप कर सकते हो जैसे कि आप इमेज पर क्लिक करो तो ऊपर मेनू बार के अंदर ऊपर मेनू बार के अंदर आपको फॉर्मेट का टैब ऑटोमेटिकली खुल जाएगा तो आप यहां से उस इमेज के साथ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो उसका कलर करेक्शन कर सकते हो उसको बैकग्राउंड फ्रेम वगैरह दे सकते हो उसका मतलब यहाँ पर आप उसको क्रॉप कर सकते हो छोटा बड़ा कर सकते हो रोटेट कर सकते हो तो फिलहाल मैं इसको छोटा कर देता हूं और एक साइड पे कर देता हूं अब मुझे आपको सिखाना है दूसरा तरीका इस इमेज को पावर पॉइंट में अटैच करने का तो वो तरीका काफी सिंपल है अब मैं क्या करूंगा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही रहते हुए मैं मेनू में, में जाऊंगा और मेनू बार में जाकर मैं देखूंगा कि मेरे पास में एक इंसर्ट का टैब है जैसे ही मैं उस इंसर्ट के टैब में क्लिक करूंगा तो उसी के नीचे पिक्चर्स का ऑप्शन है तो मैं उन पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा जैसे ही मैं पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से मुझे वो इमेज डाउनलोड करना है तो अब आपको जाना है कहां पर आपने उस इमेज को सेव किया था कुछ लोग डाउनलोड के फोल्डर में सेव करते हैं कुछ लोग जो है वो सेव करते डेस्कटॉप पर मैंने उसको अपने टीचर्स के प्रेजेंटेशन में सेव किया है तो मैं वहां जाऊंगा और वहां से मुझे जो इमेज डाउनलोड करना है सपोजिंगली मुझको ये इमेज चाहिए मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहां पर इंसर्ट का बटन प्रेस कर दूंगा जैसे ही बटन प्रेस कर दूंगा मेरा इमेज अटैच हो जाएगा मेरे पावर पॉइंट के फाइल में अब मैं उसको सर जो जैसे रिसाइज करना है वैसे रिसाइज कर सकता हूं बड़ा करना है बड़ा कर सकता हूं छोटा करना है छोटा कर सकता हूं So, teachers, you might be wondering is there a way that we can connect with the students personally? In step number 5, we are going to learn how to record your voice and attach it to the PowerPoint presentation. आप अपने वॉइस का इस्तेमाल उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आप अपनी क्लास के अंदर अपने वॉइस का इस्तेमाल करते थे जो स्टूडेंट्स को पंप अप करना है जो मोटिवेशन देना है जो वर्ड्स आप यूज करते थे एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू योर वॉइस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ टू रिकॉर्ड योर वॉइस सो टू रिकॉर्ड योर वॉइस वॉट यू विल डू फर्स्ट इज यू विल अटैच योर इयरफोन्स टू द लैपटॉप यानी कि ईयरफोन्स का जो पिन है आप लैपटॉप में प्लग इन कर दोगे और ईयरफोन्स का जो माइक है माइक आप उसको सर अपने फेस के एकदम करीब होल्ड करोगे नाउ यूर रेडी टू रिकॉर्ड योर वॉइस अब वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करना है एक पावर पॉइंट के अंदर बहुत सिंपल है जो स्लाइड आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उस स्लाइड पर पहले आप क्लिक करो तो सपोजिंगली मुझे यह स्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है तो मैं इस स्लाइड पर क्लिक करूंगा अब मैं क्या करूंगा इस स्लाइड पर क्लिक करने के बाद मैं के में इंसर्ट के मेनू में जाऊंगा सो आई विल गो टू द इंसर्ट मेनू और वहां पर जाकर ऑडियो के ऑप्शन में रिकॉर्ड ऑडियो पर क्लिक कर दूंगा अब मेरे सामने एक छोटा सा विंडो खुला है जो मुझको कह रहा है रिकॉर्ड साउंड मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं ताकि मुझे मेरा पीपीटी का कंटेंट बराबर से दिखाई दे अब मैं रेडी हूं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ अपने साउंड के साथ तो मैं यहां पर सर ये जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके अपना साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा आप देख रहे हो जितने सेकेंड्स में बोल रहा हूं उतने सेकेंड्स यहां पर नंबर बढ़ रहे हैं सो दिस विल कंटिन्यू टिल यू आर एक्सप्लेनिंग द स्लाइड अब समझो मैं मुझे ये स्लाइड मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया नाउ सर आई एम सैटिस्फाइड तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड आई विल क्लिक ओके ठीक है जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो मुझे बीच में स्लाइड के मिडिल में एक स्पीकर का आइकन दिखाई देगा मैं उसको ड्रैग करके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर ले आऊंगा अब ये जो स्पीकर का आइकन है दिस इज माय रिकॉर्डेड ऑडियो आप चाहो तो इस प्ले बटन पर क्लिक करके अपना साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा इस प्ले बटन पर क्लिक करके अपने साउंड रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हो कि बराबर आया है या नहीं अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वेरी गुड नहीं हो तो सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस कर दो तो वो साउंड रिकॉर्डिंग हट जाएगी और आप वापस से जाकर दोबारा एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सो यू कैन डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल यू अचीव द परफेक्ट

इस वॉइस रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद मैं वापस से मेनू ऑप्शन में जाऊंगा और प्लेबैक के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा अब प्लेबैक के ऑप्शन में मुझको ट्रिम वाला ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है सो आई विल क्लिक ऑन ट्रिम ऑडियो और यहां पर मैं अपने ऑडियो को चेंज कर सकता हूं कट कर सकता हूं सपोजिंगली मुझे स्टार्टिंग का इतना हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं अपने जो ग्रीन वाले मार्कर को है आगे बढ़ा दूंगा और एंडिंग के मुझे पांच सेकेंड नहीं चाहिए तो मैं एंडिंग के पांच सेकेंड जो है वो कम कर दूंगा मुझे ये बीच का जो ब्लू वाला हिस्सा है उतना ही चाहिए तो आई विल सिलेक्ट वॉट आई वॉन्ट एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके तो जो एक्स्ट्रा पार्ट थे मेरे ऑडियो के वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और जो पार्ट मुझको चाहिए वो सेव हो जाएंगे अब बस आपको एक ही चीज और करना है आपको इस ऑडियो के अंदर जाकर एक ही चीज करना है आप प्ले बैक ऑप्शन में वापस जाओगे और यहां पर आपको प्ले ऑडियो यानी कि स्टार्ट ऑडियो कब करना है कैसे करना है वो लिखा होगा तो वहां पर जाकर आप ऑन क्लिक के बदले ऑटोमेटिकली कर दोगे सो इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक यू विल मेक इट एज ऑटोमेटिकली वंस यू आर डन आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंट्रोल एस दबाकर सेव कर दो अब ये मेरी जो वॉइस थी ये एक प्रेजेंट एक स्लाइड के लिए थी अब सेकेंड स्लाइड में अगर मुझे वॉइस को अटैच करना है तो आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर मैं वापस से इंसर्ट टैप पर जाऊंगा ऑडियो में जाऊंगा रिकॉर्ड ऑडियो करूंगा एंड आई विल स्टार्ट माई रिकॉर्डिंग आई विल डू ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आई वॉन्ट टू गिव इन साइड द रिकॉर्डिंग आई विप इट एक बार मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया आई विल ड्रैग इट टू देंड साइडर प्ले बैक पर क्लिक करूंगा और वहां पर जो भी मुझे चेंजेस करना है वो मैं ट्रिम कर दूंगा ट्रिमिंग एन ऑल मैं जाकर कब स्टार्ट करना है कैसे स्टार्ट करना है वहां पर जाकर क्लिक करके ऑटोमेटिकली कर दूंगा अब मेरे पास में दो स्लाइड्स हैं और उन दोनों स्लाइड्स पर डिफरेंट डिफरेंट मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग वाली एक्सप्लेनेशन है टीचर्स नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर सिक्स दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स वॉर्निंग दिस स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप यहां पर आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑप्टिम मतलब टॉप लेवल का एक छोटी सी गलती और आपको यह पूरा स्टेप दोबारा करना पड़ेगा विच विल बी लाइक रियली अ पेन सो प्लीज अंडरस्टैंड की रिहर्सल स्टेप्स में हमको क्या करना है यही वो स्टेप है जो एक सक्सेसफुल वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक ओसी के चैप्टर का या एक ओसी के छोटे से पॉइंट के तीन पावर पॉइंट स्लाइड बनाए हैं इट एज गॉट ऑल द एंड ऑल द फोटोज कंटेंट एंड एवरीथिंग जैसे कि आप यहां देख सकते हो अगर आप चेक करोगे तो मैंने इन पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन भी दिया है तो मैंने सेकेंड स्लाइड पर पेज कर्ल का ट्रांजिशन दिया है थर्ड स्लाइड पर पेज कर्ल का ट्रांजिशंस दिया है देन इफ यू कैन चेक मैंने हर चीज पर एनिमेशंस भी किया है सर तो जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर जाकर मैंने एनिमेशन के टैब पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये वाले फोटोज आएंगे सेकंड मीनिंग आएगी थर्ड ये पैराग्राफ आएगा जब मीनिंग आएगी तो उसके साथ में ये हैंड्स वाला फोटो भी आएगा क्योंकि यहां पर नंबर 2 है और यहां पर भी नंबर 2 है ऐसे ही मैंने यहां पर नंबर वन पर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आएगा नंबर टू पर ये हेनरी फ्योल भाई साहब का फोटो आएगा नंबर थ्री पर ये जो कंटेंट है ये ब्लू वाला वो आएगा और यहां पर मैंने बहुत सही चीज किया है मैंने सिंगल सिंगल लाइन को एनिमेशन किया है यानी कि पॉइंट नंबर वन विच इज डिविजन ऑफ लेबर ये फोर्थ नंबर पर आएगा पॉइंट नंबर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आएगा तो मैंने क्या किया है मैंने सिंगल सिंगल लाइन को सिलेक्ट किया है आई एम सॉरी मैंने सिंगल सिंगल लाइन को सिलेक्ट किया है और मैंने जाकर उन पर अपियर वाला एनिमेशन लगा दिया है तो आप देख सकते हो हर लाइन के आगे एक एक एक, -एक, 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 -एक नंबर है उस ऑर्डर में वो नंबर्स आएंगे अगर मैं चाहता तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके एक ही साथ सबको बुला लेता लेकिन उसमें मजा नहीं है वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे अगर मैं थर्ड स्लाइड पर जाऊं तो मैंने थर्ड स्लाइड के ऊपर ऑफ मैनेजमेंट को कोई भी एनिमेशन नहीं दिया है यानी कि ये जैसी स्लाइड आएगी तो उसके ऊपर पहले से ही लिखा हुआ आएगा तो इसको इसको बुलाना नहीं पड़ेगा ये पहले से होगा फिर मैंने ये थ्योरी का नाम और फोटो इन दोनों को मैंने सेम नंबर वाला एनिमेशन दिया है जैसी फोटो आएगा वैसे ही ये नाम भी आ जाएगा और अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके यानी कि मैंने सिंगल ऐसे सिलेक्ट करके अपियर का एनिमेशन दे दिया तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ आएंगे अगर मुझे सिंगल सिंगल पॉइंट को देना है तो मुझे सिंगल सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा फिर इसको सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा जो मैंने पिछली बार किया था मगर इस बार मैंने सबको एक साथ बुलाया है नीचे आप देखोगे तो मैंने पॉज द वीडियो एंड कॉपी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को कॉपी करें इसलिए मैंने नीचे पॉज द वीडियो एंड कॉपी लिखा हुआ है ठीक है तो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्टली रेडी है प्रेजेंट करने के लिए मैं एक कदम आगे भी गया हूं मैंने ऑडियो भी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है आप देख सकते हो कि यहां पर इस पेज का पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर रिकॉर्डेड है मैं आपको प्ले करके बताता हूं तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज ठीक है सेकेंड पेज का ऑडियो सेकेंड पेज पर है थर्ड पेज का ऑडियो थर्ड पेज पर है यानी कि माय पीपीटी इज एब्सोल्युटली रेडी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ वीडियो बस मुझे क्या करना है पता है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जैसे जैसे मेरा ऑडियो चलेगा यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्ड बोलूंगा तो वैसे वैसे वो चीज स्क्रीन पे आना चाहिए यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्ड कहता हूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्ड आना चाहिए अगर मेरे ऑडियो में मीनिंग वर्ड आ रहा है तो ये मीनिंग वर्ड आना चाहिए अगर मैं मीनिंग रीड कर रहा हूं तो ये मीनिंग वहां पर आनी चाहिए रीड करते वक्त तो सर मेरा जो कंटेंट है उसको इस ऑडियो से मैच करना जरूरी है और वही हम लोग करने वाले हैं इस स्टेप के अंदर जिसको कहते हैं रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स अब इसको करने के लिए सबसे अहम चीज है सबसे अहम चीज है कि आप ऑडियो को थोड़ी सेट कर दो तो मैं यहां पर ये ऑडियो के आइकन पर स्पीकर के आइकन पर क्लिक करता हूं और मैं जा रहा हूं मेनू बार में ऊपर और वहां जाकर मैंने प्लेबैक पे क्लिक किया है अब प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद में मैं जाऊंगा प्लेन बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर और उस पर क्लिक कर दूंगा तो मैंने प्लेन बैकग्राउंड को क्लिक किया आप देख सकते हो कि वो हाईलाइट हो चुका है अब अगर आप प्लेन बैकग्राउंड पे टिक क्लिक करोगे तो आपको यहां पर वॉल्यूम के बाजू में दो ऑप्शंस चेक मिलेंगे मतलब उन पर टिक मार्क है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स एंड लूप अंटिल स्टॉप तो मैं क्या करूंगा मैं इन दोनों को अनचेक कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फर्स्ट स्लाइड का ऑडियो सेकेंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड पे चलता रहे इसलिए मैंने प्ले अक्रॉस स्लाइड्स पे टिक मार्क नहीं किया बल्कि जो टिक मार्क लगा था उसको हटा दिया है और लूपल स्टॉप मैं नहीं चाहता कि मेरा जो फर्स्ट स्लाइड का ऑडियो है वो बार 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 लूप होता रहे इसलिए मैंने क्या किया मैंने जाकर सर ये लूप अंटिल स्टॉप पे अनचेक कर दिया जैसे ही मैं इन दोनों को अनचेक कर दूंगा तो ये जो प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ था वो अनसिलेक्ट हो जाएगा वो चलेगा उसको रहने दो लेकिन इन दोनों को अनचेक कर दो ये समझा सेकेंड स्लाइड पर आते हैं और वही चीज करते हैं मैं पहले ये स्पीकर के आइकॉन को क्लिक करूंगा इतफाक से मैं प्ले बैक वाले ऑप्शन पर ही हूं तो मैं वहां पर जाकर प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और मैं लूप अंटिल स्टॉप और प्ले अक्रॉस स्लाइड्स को अनचेक कर दूंगा जैसे इन दोनों को अनचेक किया ये डी सिलेक्ट हो गया अनसिलेक्ट हो गया चलेगा सर थर्ड वापस जा रहा हूं थर्ड स्लाइड पर मैंने यहां पर इस पर क्लिक किया जैसे इस पे क्लिक किया प्लेबैक वाला ऑप्शन ओपन हो गया मैं जाऊंगा प्लेन बैकग्राउंड पहले उस पे क्लिक करूंगा फिर प्ले अक्रॉस स्लाइड्स को अनचेक करूंगा लूप अंटिल स्टॉप को अनचेक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा चलेगा अब मैं स्लाइड को सेव कर दूंगा सेव कैसे करते हैं कंट्रोल बटन और एस बटन को साथ में प्रेस करके कंट्रोल प्लस एस इससे सेव हो जाएगी आपकी फाइल नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स हाउ टू स्टार्ट द रिहर्सल तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा मैं ऊपर मेनू बार में जाऊंगा और मेनू बार में जाकर मैं स्लाइड शो वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा यानी कि स्लाइड शो वाला जो टैब है उसको क्लिक करके ओपन कर दूंगा और नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज रिहर्स टाइमिंग्स अब ही मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी विथ अ स्मॉल वॉच टाइमर देखते वो कैसी रहेगी लेटमी क्लिक इट एंड शो इट टू यू सो ये जो हमारा क्लॉक है जो लेफ्ट एंड साइड पर एक छोटा सा विंडो आपको दिख रहा है दिस इज वेयर द टाइमिंग विन सो हाउ मच टाइम यू टेक ऑन अ पर्टिक्युलर लाइन वो वहां पर दिखाई देगा एंड देन हाउ मच टाइम यू टेक फॉर अ पर्टिक्युलर स्लाइड वो वहां पर आपको दिखाई देगा सो वंस यू आर कंप्लीटेड विद द इंटायर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको टोटल वीडियो का लेंथ यहां पर दिखाई देगा ओके okay? नाउ, अगर आप नोटिस करोगे तो अब जैसे ही मैं इसको प्ले करना स्टार्ट करूंगा तो पीछे से मेरा प्री रिकॉर्डेड ऑडियो प्ले होना चालू हो जाएगा और मेरा काम है कि मुझे अपने प्री रिकॉर्डेड ऑडियो के साथ में जो कंटेंट मैंने स्लाइड में पहले से टाइप करके और एनिमेशन देकर रखा हुआ है उसको मैच करना है उसके साथ में रिहर्सल करना है तो सर जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे वैसे वो कंटेंट आता रहेगा तो पहले हम लोग ये फर्स्ट स्लाइड को प्रॉपरली रिहर्स कर लेते हैं फिर मैं ये प्रेजेंटेशन को या ये रिहर्सल को पॉज करूंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा जो अब आपको आवाज सुनाई देगी वो आवाज सर प्री रिकॉर्डेड होगी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये आपको सिर्फ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ही नहीं बल्कि आगे जब आप पढ़ोगे और MBA, वहाँ पर भी काम आएगा और इस आंसर के साथ में एक बंदे का नाम जुड़ा हुआ है वो बंदे का नाम क्या है और वो कौन था वो हम लोग आगे सीखेंगे तो पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए आओ उसकी मीनिंग देखते हैं

यहां पर आप टाइमिंग देख सकते हो रिकॉर्डिंग वाली विंडो में और जैसे जैसे पीछे वो ऑडियो चल रहा था तो वैसे वैसे मैं माउस के क्लिक से कंटेंट को स्क्रीन पर बुला रहा था यानी कि जब वो ऑडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वर्ड आया तो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऊपर लाइन बुला ली माउस को क्लिक करके फिर जब उस ऑडियो में इंपॉर्टेंस आया फिर जब उस ऑडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में ज्यादा सुना तो मैंने ये दो इमेजेस को बुला लिया सर माउस पर क्लिक करके व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मीनिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द मीनिंग तो मैंने माउस को क्लिक करके ये मीनिंग को बुला लिया तो इसी तरीके से 54 फोर सेकेंड्स के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड को रिहर्स किया है और फाइनलाइज किया है अब चलते हैं सेकेंड स्लाइड पर सेकेंड स्लाइड पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है जैसे ही आपका फर्स्ट स्लाइड खत्म हो जाएगा आपको एक माउस का क्लिक दबाना है और आप सेकेंड स्लाइड पर चले जाओगे एक चीज याद रखना अगर आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या आगे के कोई भी स्लाइड्स पर अगर छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपको यह पूरा प्रोसीजर यानी कि पूरा रिहर्सल ऑफ टाइमिंग स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट स्लाइड से दोबारा करना पड़ेगा सो so नाउ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट है उनमें से काफी थ्योरीज पॉपुलर हुई मगर उन पॉपुलर थियोरीज में से हम लोग दो थियोरीज सीखेंगे पहली थियोरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट और यह थ्योरी प्रपाउंड करने वाले यानी कि बनाने वाले का नाम था हेनरी फियोल अब मिस्टर हेनरी फियोल की थेरी को कॉमनली फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर चौदह ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सारे बिजनेसेस यूज करते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड पांचवा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन छठा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन सातवा प्रिंसिपल है सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आठवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन दसवें और ग्यारहवें प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बारहवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर तेरवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और फोर्टींथ प्रिंसिपल को हम कहते हैं एस्प्री दे कॉर्ब्स यानी कि एक बॉडी की स्पिरिट और एक बॉडी की स्पिरिट को फ्रेंच लैंग्वेज में उसको एस्प्री दे कहा जाता है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में टीम वर्क कहा जाता है सर सो so मैंने अपने second वाले स्लाइड को भी रिहर्स कर लिया है अब टोटल मेरे वीडियो की लेंथ हो चुकी है टू मिनट्स फोर्टी सेवन सेकेंड्स यहां पर आप देख सकते हो और इस स्लाइड पर मैंने वन मिनट फिफ्टी वन सेकेंड्स स्पेंड किया है अगर अब जाकर मेरी थर्ड स्लाइड में कुछ मिस्टेक होती है तो मुझे यह चीज वापस से करनी पड़ेगी फ्रॉम स्लाइड नंबर वन इसलिए यहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बहुत ज्यादा ऑप्टिमम, यानी कि टॉप लेवल पर होना चाहिए ठीक है सो लेट्स नाउ गो अहेड टू थर्ड स्लाइड मैं थर्ड स्लाइड को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए सो एज यू कैन सी कि हमारा थर्ड स्लाइड भी टोटल कंप्लीट हो चुका है इन शॉर्ट मैंने अपना पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टाइमिंग रिहर्स कर लिया सो टीचर्स टोटल टाइमिंग इज फोर मिनट्स एंड नाइन सेकेंड्स एंड आउट ऑफ दिस फोर मिनट एंड नाइन सेकेंड्स आई पर्टिकुलर स्लाइड तो अपने ऑडियो के साथ में अपने कंटेंट का एनिमेशन और कंटेंट के प्रेजेंटेशन को मैच करना इसी को कहते हैं रिहर्सल ऑफ अब अगर आप देखोगे तो जैसे ही आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा और आपका पूरा रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप जैसे ही आगे लास्ट टाइम क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा और वो पॉपअप आपसे पूछ रहा है द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वॉज फोर मिनट टेन सेकेंड वो तो हमको पता था डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स आई विल क्लिक ऑन यस मैं सेव करना चाहता हूं क्योंकि इसी स्लाइड टाइमिंग्स को यूज करके मैं अपना वीडियो बनाने वाला हूं तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू सेव इट तो आई विल क्लिक ऑन यस एंड आई विल मूव आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन अब मैं वापस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ चुका हूं अब अगर आप यहां पर देखोगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर कि हमने टाइमिंग रिकॉर्ड किया है कि नहीं तो उसके लिए आप लोग कुछ ऐसे करोगे मैं मेनू बार पे हूं और मैं लास्ट ऑप्शन व्यू पर जा रहा हूं व्यू पर जाने के बाद में सर मैं यहां पर फोर्थ सॉरी थर्ड ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज स्लाइड सॉर्टर स्लाइड सॉर्टर पे जाकर क्लिक कर दूंगा जैसे ही मैं स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपने तीन स्लाइड्स दिखाई देंगे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्लाइड जो है मेरी सिलेक्टेड है उसके नीचे स्लाइड नंबर वन लिखा है और यहां पर 56 सिक्स सेकेंड का टाइमिंग लिखा हुआ है तो अगर स्लाइड शो का आपने रिहर्सल किया है आप जब स्लाइड पे जाओगे तो आपको यहां पर टाइमिंग दिखाई देगा वैसे ही जब आप सेकेंड स्लाइड पर जाओगे तो आपको नीचे सेकेंड स्लाइड का टाइमिंग दिखाई देगा और जब आप थर्ड स्लाइड पर जाओगे तो आपको नीचे थर्ड स्लाइड का टाइमिंग दिखाई देगा इसका मतलब आपने इन तीनों स्लाइड्स का रिहर्सल कर दिया है और अब ये वीडियो में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है ओके टीचर्स नाउ दिस स्टेप यू हैव टू बी वेरी स्लो वेरी केयरफुल नाउ आप एक इंस्टेंस में ऐसे परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते इस स्टेप के अंदर

कि हम इसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर दे और फिर हम ये वीडियो जो है अपने स्टूडेंट्स तक वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं नाउ हाउ टू कन्वर्ट अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अ वीडियो। बिफोर यू गो फॉर कन्वर्टिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन टू वीडियो, मेक श्योर कि आपने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स प्रॉपरली किया है और एक बार अपने रिहर्सल को चेक करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे करेंगे वी विल गो टू मेनू बार और उसमें जाकर हम लोग जाएंगे स्लाइड शो वाले ऑप्शन पर और स्लाइड शो वाले ऑप्शन पर जाकर हम लोग क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगनिंग जैसे ही मैं फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करूंगा तो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसी मैनर में विथ ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा जिस तरीके से हमने रिहर्सल ऑफ टाइमिंग्स में किया है बस फर्क इतना होगा कि इस बार हमको माउस को क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा तो करके देख लेते हैं एक बार चेक दिस तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सो एज यू कैन सी वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा और अब जब वो प्ले होकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगेगा कि यस दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन विच आई नीड टू सेंड टू माय स्टूडेंट्स नाउ यू आर रेडी टू एक्सपोर्ट इट अब इस पर्टिकुलर फाइल को या इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कैसे करना है बहुत सिंपल है आप जाओगे अपने मेनू बार के अंदर आप लोग फाइल पे क्लिक करोगे फाइल पे क्लिक करने के बाद में आप लोग जाओगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में और एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद में आप लोग जाओगे क्रिएट अ वीडियो वाले ऑप्शन पर अब जैसे ही आप क्रिएट अ वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी सो लेट्स चेक कि क्या करना है सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्वालिटी पे जाना है अब डिफरेंट डिफरेंट पावर पॉइंट के वर्जन जो होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होगा तो आपको क्या करना है आपको जो है एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें मल्टीप्लाइड बाई वन वाला आपका रेजोल्यूशन हो कुछ कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 4K का भी ऑप्शन होता है बट अगर आप 4K कन्वर्जन करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेंड इट टू योर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पास में जो सेल फोन होते हैं दे मे नॉट है प्ले बैक केपेबिलिटीज इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जब प्रेजेंटेशन क्वालिटी चेक करोगे तो वन नाइन टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो एट जीरो रेजोल्यूशन सिलेक्ट करो ओके उसके बाद में आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट करना है यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशन इसीलिए तो हम लोगों ने अपना टाइमिंग को रिहर्स किया था और रिकॉर्ड किया था डू नॉट टच सेकेंड स्पेंट ऑन स्लाइड उसके बाद में जब आपका ये पूरा प्रॉपरली सेट हो जाए फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट वीडियो पर जैसे ही आप क्रिएट वीडियो पर जाओगे तो वो आपको पूछेगा कि कहां पर सेव करना है तो सर यू विल स्पेसिफाई कि कहां पर सेव करना है जैसे कि मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं वन सॉरी मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा तो मैं अपने फाइल का नाम दे दूंगा सो आई विल पुट इट एज अ पीपीटी प्रेजेंटेशन फॉर टीचर्स ओके एंड आई विल क्लिक ऑन सेव आप देखोगे तो यहां पर फॉर्मेट आ रहा है एमपीजी जी फोर वीडियो इसको चेंज नहीं करना है आपको वहां पर MPG4 वीडियो ही रखना है और आपको उसको सेव कर देना है तो ये सेव अब आप देखोगे कि जब ये फाइल सेव हो रही है तो नीचे यहां पर एक बार है और ये बार आगे 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 बढ़ता रहेगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट योर कंप्यूटर इज रेंजिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू इवन वन आवर टू टू आवर्स डिपेंडिंग आपकी फाइल साइज क्या है सो नाउ आई कैन सी दैट कि हमारा जो वीडियो सेव होने वाला बार था वो पूरा कंप्लीटली जा चुका है यानी कि मेरा वीडियो सेव हो चुका है अब ये वीडियो दिखेगा कैसे सो लेट्स क्लोज दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली फाइल और डेस्कटॉप पर आ जाते हैं यानी कि मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं ये मैंने बंद कर दिया अब आप देख सकते हो कि मेरे यहां पर डेस्कटॉप के ऊपर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन फॉर टीचर्स जो मैंने वीडियो को नाम दिया था वो मुझको दिखाई दे रहा है अब ये जो हमारी फाइल है इसका हम लोग प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं सो लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज जब मैं चेक करूंगा तो सर इट इज शोइंग 89.8 MB एंड इट इज एन MP4 फाइल MP4 फाइल मींस इट विल प्ले इन ऑल द डिवाइसेस आपके सेलफोन्स, लैपटॉप्स आप इसको YouTube पे अपलोड कर सकते हो शेयर से शेयर कर सकते हो Google Drive से शेयर कर सकते हो और इसकी साइज है एटी नाइन पॉइंट एट एम बी टू बी वेरी फ्रैंक ये साइज बहुत कम है क्योंकि हमने पावर पॉइंट सिर्फ तीन ही स्लाइड का बनाया है आपका साइज हो सकता है 200 सौ एमबी चार सौ एमबी इट में इवन गो इन टू तो अब इतनी बड़ी फाइल को हम लोग शेयर कैसे करें अपने स्टूडेंट्स के साथ में उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चर्चा करेंगे सो नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू आर फाइनल स्टेप इस स्टेप के अंदर जो वीडियो हमने क्रिएट किया है पावर पॉइंट को यूज करके उसको अपने स्टूडेंट्स तक या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तक कैसे सेंड करना है पहले एक चीज बता दूं कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम वाले जो प्लेटफॉर्म है दे शुड नॉट बी यूज टू सेंड योर वीडियो इवन टू योर स्टूडेंट एज वेल एज द कोचिंग इंस्टीट्यूट नो ये क्यों यूज नहीं करना है क्योंकि सबसे पहले तो इनमें डेटा शेयरिंग की लिमिट होती है यानी कि व्हाट्सएप एक जीबी का वीडियो आपको आगे किसी को फॉरवर्ड करने नहीं देगा सेकेंडली जब आप ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो या ये एप्लीकेशंस को जब आप यूज करते हो अपने डेटा को शेयर करने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके डेटा को कंप्रेस कर देते हैं यानी कि ये आपके वीडियो को कंप्रेस कर देगा जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी तो माय सजेशन इज कि आप लोग जो व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है उसको यूज ना करें अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए अब बात करते हैं कि इनका ऑल्टरनेटिव क्या है या सोल्यूशन क्या है अब हमारे मसले का नाउ द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज हमारी जो फाइल साइज क्रिएट होगी इट विल बी यूज तो दोज आर थिंकिंग कि हम लोग उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं देन अगेन इट विल बी एन इशू ईमेल के अंदर भी 25 एम की लिमिट होती है यू के नॉट सेंड फाइल्स एक्सीडिंग 25 फाइव तो सर फिर हम लोग किस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे वी विल बी यूजिंग गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव पर आपको 15 जी की स्पेस फ्री मिलती है और प्लस इट इज अ वेरी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फ्रॉम गूगल दूसरा आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो यूट्यूब जो है आपको अनलिमिटेड साइज देता है वीडियो को अपलोड करने के लिए आप आठ जीबी बी दस जी बीस के वीडियोस भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो और फिर अपनी वो वीडियो की लिंक आप अपने बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हो ओके नाउ दूसरे जो तरीके हैं वो है ज़िपी शेयर और ड्रॉप सेंड सेम इज विथ मीडिया फायर मीडिया फायर में आपको 10 जीबी का स्पेस जो है वो स्टोरेज के लिए मिल जाएगा हम लोग डब्ल्यू ट्रांसफर को पहले यूज करते थे लेकिन अब डब्ल्यू ट्रांसफर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है सो वी डोंट नो कि वेदर इट विल कम बैक और नॉट बट डब्ल्यू ट्रांसफर में दो जीबी तक की फाइल्स आप आराम से शेयर कर सकते हो अब समझने वाली बात क्या है शेयरिंग के अंदर वो समझिए अगर आप गूगल ड्राइव यूट्यूब और मीडिया फायर गूगल ड्राइव यूट्यूब और मीडिया फायर के ऊपर आप अपने फाइल्स को स्टोर करते हो तो आपको अपने स्टूडेंट को वो फाइल्स सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उसकी सिर्फ लिंक सेंड करने की जरूरत पड़ेगी आपने उस फाइल की लिंक शेयर कर दी वो स्टूडेंट आपका किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर आपके गूगल ड्राइव से उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है अगर आप उनको परमिशन देते हो डाउनलोड करने की तो वो लोग गूगल ड्राइव से आपके वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल ड्राइव पर वीडियो कैसे अपलोड करना है और उसको कैसे शेयर करना है उसकी एक ट्यूटोरियल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है